हेलो फ्रेंड्स, मैं शाइस्ता। आज हम आपको बताएंगे जो लोग यूट्यूब पे स्टिचिंग की क्लासेस लेते हैं और उसमें जो ड्रेसेस बनती है उसका उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ लोग इस चीज से ना बहुत ज़्यादा परेशान आ जाते हैं कि ड्रेसेस तो बन गई, अब इस ड्रेस का हम क्या करें। तो अगर आपकी क्लासेस कम रहती हैं या कम क्लासेस है या कम ड्रेसेस बनती हैं, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि वो ड्रेसेस आप अपने मेजरमेंट से बनाएं या फिर आप अपने रिलेटिव या अपने बच्चों की मेजरमेंट से बनाएं, जिससे कि वो उनके लिए यूज़ हो पाए। अगर आपकी क्लासेस अच्छी हैं और आपकी ड्रेसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं, तो उसमें आप अपने नियर की किसी शॉप या बुटीक से टाई अप कर सकती हैं। अपने टैग प्रिंट करा के, उस पर अपने टैग को अटैच करा के आप उस पे भी सेल कर सकती हैं। अगर आपकी स्टिचिंग बहुत अच्छी होगी तो उन बुटीक और उन शॉप्स पे आपका जो बनेगी ड्रेसेस वो रेगुलर बेसिस पे जाती भी रहेगी। अगर एक थिंग ये होता है कि आप उस काम को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए कभी कभी क्या होता है, जीएसटी की ज़रूरत होती है, तो वो जीएसटी अगर अरेंज नहीं हो पाता तो उसमें आप नहीं कर पाएंगे। एक तरीका ये है कि आप उसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कस्टमर से बात करके भी सेल कर सकते हैं। और एक तरीका ये होता है कि आप अपने नियर जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं उनके मेजरमेंट से भी, हम ये ड्रेसेस बनाने वाले हैं और ये मटेरियल है, आप हमें अपना मेजरमेंट दे दीजिए और आपको ये आप उसे कम रेटों पे दीजिए, यानी आप उसे डिस्काउंट में दीजिए। तो उससे क्या होगा, वो नियर के जो लोग होंगे, आपके नियरेस्ट जो लोग होंगे, वो अपने मेजरमेंट से भी आपकी ड्रेस को स्टिच करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।